फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स अभी आज फर्स्ट डे है स्कूल जाने का और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्कूल जाने के लिए। तो बस अब तैयार होके बस मैं निकल ही रही हूँ क्योंकि आज से भाई फिर से वही मेरी भागम भाग वाली लाइफ शुरू हो चुकी है और इसके बिना भी सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी स्कूल चलती हूँ और माता रानी से पहले मैंने आशीर्वाद लिया है क्योंकि मैं आशीर्वाद में ले रही हूँ कि हे माता रानी, मुझे इतना आशीर्वाद देना है अपने बच्चों को स्कूल में अच्छे से जो भी कुछ कराऊँ बहुत ईमानदारी से अपना मतलब कर्तव्य निभा सकूँ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूँ। चलिए चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह एंट्री कर पाई थी, आगे की वीडियो नहीं बना पाई, कुछ ऐसा हो गया कि मेरा दिल ही नहीं किया बनाने का। तो रात को यशु भी आ गया था तो मैंने यहाँ पर देखिए पनीर बना रही हूँ उसके लिए, भुज्जी और तोरी की सब्ज़ी और इधर दाल सीटी दे दी है मेरी। तो तीनों चीज़ें मेरी बन चुकी हैं और मैं स्कूल जाऊँगी और स्कूल से आई हूँ, थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं मंदिर चली गई हूँ शिव जी के। जैसे कि मैं जाती हूँ तो यहाँ पर शिव जी का हम लोगों ने मिल के श्रृंगार किया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो जला के पीछे से आई हूँ, मतलब पीछे से क्या आगे से, आगे मेरी बालकनी में जो शिव जी है वहाँ भी जला ली और घर के अंदर भी जला चुकी हूँ और अब बनाऊँगी खाना। मेरा बेटू आया हुआ है भाई, तो मुझे बहुत सारा मतलब ऐसा होता है ना, बच्चा है बहुत दिन बाद तो मैं उसके लिए आया है तो फिर उसके लिए कुछ बनाऊँगी स्पेशल। जैसे स्पेशल उसका ले दे के पनीर ही रहता है तो वही सब बनाऊँगी। जो चला चुकी हूँ एकदम मतलब ऐसे आया है, बिल्कुल सरप्राइज दिया है मेरे लिए, कुछ मुझे पता ही नहीं था, ना पापा को पता था इसके ना मुझे पता था कि ये आ रहा है। ऐसे इसने अचानक आके दरवाजे को नॉक किया, मैंने खोला और खोलते के साथ ही इसको देख के मैं उछल पड़ी। मतलब लगता है कि ऐसे सरप्राइज मिलने चाहिए। ये शाम को आ गया था कल ही और अभी हमारे स्कूल भी खुल गए हैं तो मैं आज सुबह स्कूल भी गई थी और जैसे मेरा बेटा आया ना वैसे मेरे स्कूल भी खुल गए हैं। मैं क्या ही करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल भी जाना ज़रूरी है, अब स्कूल के दिन पे खुला है तो स्कूल की छुट्टी नहीं ले सकती है, लेकिन मेरा और यश की ना छुट्टी मैच ही नहीं की है। यशु की छुट्टियां अब पड़ी हैं कॉलेज की और मेरी अब ख़त्म हुई है। कोई बात नहीं, जितने दिन है शाम को मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सोच रखी हूँ कि मैं इसके साथ ही रहूँगी, मतलब जो भी टाइम हमारा है इसके साथ रहूँगी। और ये देखिए पीली चुन्नी, मैं ना पूजा की थी ना सुबह तो यही टांग के चली गई क्योंकि जब पूजा करती हूँ ना तो सिर पे रख के पूजा कर लेती हूँ, तो ये चुन्नी ना मेरी पूजा की ही है सिर्फ, ये येलो कलर की जब भी पूजा करती हूँ यही रखी रहती हूँ। जब पूजा करती हूँ तो ये सिर पे डाल लेती हूँ, पूजा करके आरती करके फिर टांग देती हूँ क्योंकि घर में तो वैसे ही इतनी गर्मी होती है, चुन्नी उन्नी नहीं संभाली जाती है। और अभी तो मैं तैयार थी थोड़ी सी क्योंकि अभी मैं मंदिर गई थी। आजकल मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मैं सही बताऊँ तो मेरा क्या बताऊँ, दुनिया से ना दिल उठ चुका है। पहले मैं बहुत सोशल थी, अभी भी हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मन ही नहीं करता है कहीं जाने आने का, किसी से मिलने का। सिर्फ ऐसे लगता है कि घर पे रहो और पूजा पाठ करो, बस भगवान से मतलब दिल भगवान में ही मन लगा के रखो। ऐसे लगता है कि और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही सब कुछ है और बाहर की दुनिया में जाके हम खुशी ढूंढते हैं, वो खुशी सच में अपने घर पे छुपी है। और मैंने भी इतने सालों से बहुत गलती की कि मैं भी बाहर सारा दिन बाहर रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, लोगों से मिलती थी जुलती थी, वो भी ठीक है, लेकिन अब पता नहीं क्यों अब मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। तो अभी बेटा मेरा लैपटॉप पर बैठा है, उसका कुछ अभी उसकी कुछ मीटिंग चल रही है इसलिए वो चला गया एसी वाले रूम में, और इसीलिए मैं अपना इधर व्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि इसके पापा भी आ गए हैं, उसके पापा को सामान भी लेके आए हैं उसके लिए, दिखाती हूँ आप लोगों को। खत्म था तो दर्शन भी ले आए हैं, पाव पाव लेके आए तो ये सुबह बनाऊँगी नाश्ते में पाव भाजी। और ये है हमारे मैंगो, इसको खोल लेती हूँ कोई, इसमें आम है क्योंकि यशो को आम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें आम है। सुबह भी मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और बनाई थी, एक पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, एक दाल बनाई थी, एक बनाई थी मैं तोरी, तो तीन मतलब दो सब्जियां एक दाल बना के मैं चली गई थी स्कूल क्योंकि स्कूल में बच्चे अभी नहीं आ रहे थे, बच्चे मंडे से आएंगे, लेकिन यह टीचर्स को थोड़ा एक दो दिन पहले जाना पड़ता है कि
क्लास वगैरह भी सही करवानी पड़ती है क्योंकि इतनी धूल पीछे हुई है, मिट्टी इतनी हुई थी, इतनी सारी गंदा हो रखा है सब कुछ ही। इस चक्कर में थोड़ा सा हम पहले गए थे, रात चले गए थे और कुछ अपना रजिस्टर वगैरह कंप्लीट जो भी करना था काम वो सब कुछ कर लिया था, बस 2-3 घंटे के लिए गए थे, थोड़ी बहुत बातें भी करके आ गए थे। और क्या अपडेट थी स्कूल की, कुछ टीचर नहीं भी आई थी और कुछ टीचर के साथ क्या बताऊँ, बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए पता नहीं, बहुत मतलब गलत भी हुआ है किसी के साथ, क्या बताऊँ। मेरे को मेरी क्लास की जो मैम है ना, हेमलता मैम, आप सब तो जानते ही हैं, हेमलता मैम मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों कितने सालों से एक साथ ही पढ़ाते हैं, तो उनकी ननद का लड़का नहर में डूब गया है, बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, और वो भी 22-23 साल का लड़का था और उसके पापा भी नहीं थे, तो वो अकेले अपनी माँ के साथ ही रहता था, इसलिए समझ लो मतलब मैं गई थी, लेकिन मुझे मैं देख के मेरा सब कुछ, कल मैं गई स्कूल तब भी चली गई थी, तो कल मैं सुबह का व्लॉग जो मैंने बनाया था, लेकिन मेरा आने के बाद ना व्लॉग एकदम शूट करने का मन नहीं किया कुछ भी करने का, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा जाना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं जितने भी युवा पीढ़ी बच्चे हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं और वो नहर में नहाने के लिए जाते हैं, तो बेटा प्लीज़ ऐसी गलती मत करना आप लोग, क्योंकि आप लोगों के बिना ना आपकी माँ जीते जी, आपके माँ बाप ना जीते जी मर जाएंगे सच में। उस बच्चे का तो बाप नहीं है, अकेली माँ थी और बच्चे के सहारे थी, तो आप सोचो कि वो कैसे रह रही हैं। तो जो दीदी से मिलने गई थी ना, उनको देखा ही नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था, और बहुत सारी मेरी खुद की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मेरे भाई के साथ भी जो कुछ भी हुआ था ना, होता है ना किसी का दुख देख लो तो अपना ही दुख ताज़ा हो जाता है, बस कोई हो गया था। तो प्लीज़ बेटा आप लोग जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बेटा प्लीज़ आप स्विमिंग पूल में नहा लो, क्योंकि उस ट्रेनर होते हैं आपको बच्चे आपको मतलब सिखाते हैं, नहर में मत जाओ प्लीज़ बेटा, क्योंकि नहर में हर साल ऐसी बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं और नहर में हर साल यही हादसा होता है हर साल, तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी है, मतलब सैड न्यूज़ समझ लीजिए आप कह सकते हैं। और स्कूल जाते ही पहले ही दिन मतलब ऐसे पता चल गया ना, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, सारी टीचर्स परेशान थे इस खबर को सुन के। चलिए आगे रखती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं माइंड को सेट कर लूँ। मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जितना हंसती हूँ ना उतना ही रोती भी हूँ, क्योंकि यार इंसान हो, दिल है मेरा, बहुत बहुत दुख भी देखे हैं लाइफ में, अपनों को भी बहुत खोया है मैंने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन बहुत मैं ले लेती हूँ बस ना चाहते हुए भी।